हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चन में क्या करना है, दिए गए विकल्पों में से उस सेट को चुनिए जो दिए गए सेट के समान है। देखिए दोस्तों, क्या करना, दिया गया सेट हमारा क्या है, 8 3 2, इसके समान कौन सा ऑप्शन है वही हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तभी हमारा आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 8 3 2। ठीक है, तो यह किस तरह से आया है यहाँ पर वही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है 8, यहाँ पर 3, यहाँ 2। तो देखिए दोस्तों, 8 में क्या करें कि 3 आ जाए, कि 3 में क्या कह रहे हैं कि 8 आ जाए, 3 में क्या करें कि 2 आ जाए। ठीक है, इसी में हमें कोई ट्रिक लगानी है। ठीक है, तो इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, देखिए दोस्तों 3 है और 8 है। ठीक है, क्या कर लेंगे, 3 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे, बीच वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 8 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, 3 का वर्ग, बीच वाली संख्या का वर्ग किया और उसमें से 1 माइनस कर दिया तो आ गया 8। ठीक है, अब उसी प्रकार इसका 2, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 दिया हुआ है ना, अब क्या करेंगे, 2 का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 में से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आ गया 3। ठीक है, बीच वाली संख्या, देखिए दोस्तों बीच वाली संख्या को हमने सॉल्व किया तो पहली संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, और हमने लास्ट वाली संख्या को सॉल्व किया तो बीच वाली संख्या मिली। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसी प्रकार ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए कितना आना चाहिए, देखिए इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले यहाँ पर दिया है 10 6 5, तो पहले क्या करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 35 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, इसमें 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा। ठीक है, और 64 में से माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 63। देखिए दोस्तों यहाँ पर 63 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए दोस्तों आ गया 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, 8 का वर्ग किया तो 64 आया, उसमें से 1 माइनस कर दिए तो 63 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हमने क्या किया, 3 का वर्ग किया तो 9 आ गया, 9 में से 1 माइनस कर दिया तो 8 आ गया, और बीच वाली संख्या 8 है तो 8 प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 63 8 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 8 3 2 के समान है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या करना है, इसमें भी हमें सेट चुनना है। ठीक है, इसके समान कौन सा ऑप्शन है वही हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, वही हमारा सही हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले 6 36 63 को सॉल्व करते हैं, इनके समान कौन सा ऑप्शन आएगा वही तो हमारा सही होगा ना दोस्तों। तो पहले इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों इसमें एक ट्रिक लगेगी, कौन सी, देखिए 6 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी बीच वाली संख्या तो आ गई। ठीक है, हमने पहली वाली संख्या में वर्ग किया तो 36 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 63, तो क्या करेंगे, 36 का परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, 36 का परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 6 को लिखेंगे उसके बाद 3 को लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 63। ठीक है, हो जाएगा हमारा 63। देखिए दोस्तों पहले 6 का वर्ग किए तो बीच वाली संख्या आ गई। ठीक है, और बीच वाली संख्या का हमने परिवर्तन कर दिया तो 63 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब उसी प्रकार ऑप्शन को सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को सोल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 7 दिया है, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 49 को विपरीत क्रम में लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, 9 और 4 आना चाहिए, यानी कि 94। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 98, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को सोल्व करते हैं। देखिए 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 64 है। अब क्या करेंगे, इसकी विपरीत संख्या लिखेंगे, यानी कि परिवर्तन करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है 4 और 6, यानी कि 6 और 36 63 के समान 8 64 36 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम दिए गए सेट 12 20 4, देखिए दोस्तों 12 20 4 के समान कौन सा ऑप्शन है वही हमारा सही हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले 12 20 4 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो इनके समान आएगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 12 20 4 क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे इनको जोड़ लेंगे, 12 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 होगा, और 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा 36। देखिए दोस्तों अब इनके समान, ठीक है, इनके बराबर 36 किस ऑप्शन में आता है, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। तो क्या कर लेंगे, 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो क्या आना चाहिए था 36, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया है, 13 18 5, ठीक है, और 13 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 होगा, ठीक है, कितना होगा 31, और 31 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 12 20 4 के समान कौन सा है, 13 8 5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, और ए ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या चुनिए। देखिए दोस्तों क्या करना है हमें, 26 का संबंध 64 से है, ठीक है, तो 14 का संबंध किससे होगा, इसी को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों 26 का संबंध किस प्रकार 64 से होगा, ठीक है, उसी प्रकार 14 का संबंध क्वेश्चन मार्क से होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या किया है, 2 दिया है 6 दिया है यानी कि 26 दिया है, इनके बीच में हम प्लस कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, और 8 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 64 आ गया, यहाँ पर 26 दिया हुआ है ना, तो इनके बीच में हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे और फिर उसका वर्ग कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। देखिए दोस्तों इसका संबंध इस प्रकार था, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 14 के बीच में क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है दोस्तों 14 के बीच में प्लस कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आएगा। कैसे, देखिए 1 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 25 भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 583 का संबंध 293 से है तो 488 का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 583 का संबंध 293 से, कैसे दिया है, देखिए 5 8 3, ठीक है, इनके बीच प्लस कर लेते हैं, ठीक है, इनके बीच प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 5 कितना होगा 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पर इनको आपस में जोड़ लिए तो 16 आ गया। अब क्या करते हैं, 2 9 3 इनको भी आपस में जोड़ लेते हैं, 2 प्लस 9 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 14, ठीक है, कितना हो जाएगा 14। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या किया है कि 16 में से माइनस 2 कर दिया है, क्या किया है 16 में से माइनस 2 कर दिया है तो 14 आ गया, ठीक है, इसका संबंध इस प्रकार था, ठीक है, किस प्रकार, इन तीनों को जोड़ दिए हैं, ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिए हैं तो कितना आया है, पहले वाले के जोड़े 16, दूसरे वाले के जोड़े तो 14, तो क्या किया है इन तीनों को जोड़कर उसमें से माइनस 2 कर दिया है तो 14 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार इसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 20 होगा, ठीक है, कितना होगा 20। अब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18, ठीक है, कितना आएगा 18, तो इसमें से किस ऑप्शन में 18 आएगा वही हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 4 5 6, ठीक है, क्या दिया है 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 15 होगा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और उसमें से क्या 2 माइनस करेंगे 13 होगा, हमें लाना कितना है 18 लाना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 3 7 8, ठीक है, अब क्या करेंगे,
3 + 7 + 8 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे तो 7 × 3 = 10 = 8 = 18 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें लाना क्या था, 18 लाना था, 18 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कितना है, 378। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 378 भरा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाँचों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।